तो 20 से ज्यादा घर किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बार जब आपने ये बांध लिया और ये काम तुरंत करना, अगले एक सप्ताह में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने एक साथ करना है, अपने अपने यहाँ का करना है। 10 लोगों को लेकर बैठिए, वोटर लिस्ट लेकर बैठिए और घर बांट दीजिए। जब एक बार घर बट गए तो तुम उन 20 घरों के नंबरदार बन गए, तुम्हें 21वें में नहीं देखा। और वो जो 20 घर की जिम्मेदारी तुम्हें मिली, चुनाव आने तक कम से कम 7 बार आपको उन घरों में जाना, कम से कम 7 बार। पहला राउंड केवल परिचय का है। उन 20 घरों में देखो, आपका कोई दोस्त रहता होगा, कोई मौसा मौसी, कोई बुआ फूफा रहते होंगे, कोई मामा मामी रहते होंगे, कोई साहू चाचा रहते होंगे। जाओ उस घर में चाय पियो, बाकी घरों में चक्कर काट के ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इन घरों का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, आपको किसी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप निसंकोच मुझसे बात करिए, मैं अपने नेताओं से कहकर आपका दिक्कत दूर करवाऊँ। किसी पार्टी के पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि वो जाकर ये कहे कि ये 20 घरों की जिम्मेदारी मेरी है। और वो जो आपको तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मिला है, ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, जो उसमें सुख दुख वाली बात हो आप रमेश जी को आकर बताइए, वो अपने स्तर पर करवाने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी कोई कमी हुई तो प्रदेश अध्यक्ष करवा लेंगे, और अगर प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर भी कोई काम नहीं हो पाता और वो केंद्र के स्तर का काम है तो मेरे पास आइए, मैं कोशिश करूंगा। हर घर पर हमारा व्यक्ति होना चाहिए, वो 15 या 20 घरों का जिम्मेदार कार्यकर्ता पहला राउंड परिचय का करे, उसके बाद वोटर लिस्ट लेकर जाए, देखे सारे लोग जो वहां मतदान देने की पात्रता रखते हैं उनका वोट बना कि नहीं बना। बहुत अजीब खबर आई है हमारे पास कि 18 से 21 वाले जो नए मतदाता बने, नए मतदाता जिनको पहली बार वोट का अधिकार मिलना है, केवल 12% लोग वोटर बने पूरे देश में, टोटल 12%। जो देश का आंकड़ा आया वो ये आया है कि जो 18 वर्ष के लोग पात्रता रखते थे जिनको वोटर लिस्ट में जुड़ना था, उनमें से केवल 12% लोग बने। क्यों? बनना चाहते हो लेकिन उनको किसी ने संपर्क ही नहीं किया, और अपने आप में कोई जाने वाला नहीं, स्वयं इनिशिएटिव लेके स्वयं पहल करके कोई जाए और कहे मेरा वोट बना दो, ये होता नहीं। इसीलिए मैं बूथ की बात कर रही हूं। तो दूसरा काम है वोटर लिस्ट पकड़कर उसमें से जो नव मतदाता बन सकते हैं, जो पात्रता रखते हैं उस घर के लोग, उनका वोट बनवाना। और अगर कोई ऐसा है जिसकी डेथ हो गई या जो घर छोड़ के चला गया वहां से, उसका वोट कटवाना, उस वोटर लिस्ट को दुरुस्त करवाना, ये आपका दूसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड होगा आपका साहित्य लेकर जाना, आपको साहित्य मिलेगा। जैसे ये बिजली के दाम वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली के दाम 30% कम करेगी, लोग कहेंगे तो ऐसे हंसते रहते हैं नेता लोग, एक ही शैली के चट्टे बट्टे बाद में सब भूल जाते, कैसे करेंगे, देखो जादू की छड़ी है करेंगे, जो अभी बीजेपी ने बात बताई कि जादू की छड़ी नहीं है लेकिन दूरदर्शिता है। जिस देश में 16.80 रुपए से 30 पैसे कॉल बन सकती है केवल प्रतियोगिता के कारण, उस देश में अगर किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता करवा दो तो दाम कम होंगे ही होंगे। जब आप ये बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा कि वाकई दाम कम हो सकते हैं। उसके बाद साहित्य अलग अलग मिलता जाएगा, लेकिन साहित्य से भी ज्यादा जरूरी है आपको उन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो आपसे लोग पूछ सकते हैं। आप हमारे सैनिक हैं और चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, लेकिन हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने सेना का प्रशिक्षण नहीं लिया सीमा पर नहीं भेज सकते। सीमा पर भेजने से पहले हम उसे राइफल चलाने का, बंदूक उठाने का प्रशिक्षण देते हैं।
उतनी देर जागने का, दुश्मन से लोहा लेने का, ये सब प्रशिक्षण देते हैं। तो अब हमारे सैनिक हैं, चुनाव बंदूक और गोली से नहीं होता, राइफल से नहीं होता, चुनाव में हमारे सैनिक के हथियार होते हैं सही तथ्य और सबल तर्क। जो भी विषय आप उठा रहे हैं उसके सही तथ्यों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं उसके पक्ष में तर्क आपके पास होना चाहिए, जिस बात को आप नकार रहे हैं वहां विरोध के तर्क आपके पास होने चाहिए। और हिंदुस्तान तो ऐसा है जहां लोगों को राजनीतिक चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। आप पान वाले की दुकान पर खड़े हो जाइए तो चर्चा, आप बस में सफर कर रहे हैं तो चर्चा, आप ट्रेन में बैठे हैं मेट्रो में तो चर्चा, आप ढाबे वाले की दुकान पे चले गए तो चर्चा। एक अखबार होता है ढाबे वाले की दुकान पे, लोग चाट जाते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करते हैं, कार्यालयों में ऑफिस में बैठ करके चर्चा करते हैं, फैक्ट्री में गेट के बाहर चर्चा है। तो अगर किसी को पता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो वो जरूर आपसे चर्चा छेड़ेगा। और उस समय का जो सबसे ज्यादा करंट मुद्दा होगा, प्रासंगिक मुद्दा होगा, उसकी चर्चा करेगा। अब जैसे अभी रमेश जी का छोटी सी बात है जो परसों घटी, केंद्रीय जी ने जो बयान दिया भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं थे, कुछ लोग पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन के आए। मैं आपको बताऊं आप हंसोगे, कमलनाथ जो पार्लियामेंट के अफेयर मिनिस्टर हैं, तो मैंने उनको कहा कि इतनी बड़ी गलती हुई है, तो उन्होंने दोनों बयान करके कहा क्या गलती हुई है इसमें, एक सी बात है। मैंने कहा एक सी बात नहीं है। बोले एक सी बात कैसे नहीं है। तो मैंने कहा मैं बताती, गोपीनाथ मुंडे उनके पास बैठे थे। मैंने कहा अगर मैं ये कहूँ कि कमलनाथ ने गोपीनाथ मुंडे को मारा तो कमलनाथ आरोपी हो गए। बोले हाँ। और मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि कोई कमलनाथ की वेशभूषा में आकर गोपीनाथ मुंडे को मार गया तो कमलनाथ तो बरी हो गए, उसको ढूंढो जिस जो वेशभूषा में आया। बोले हाँ 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 ये बात तो है। मैंने कहा तुम्हारे मंत्री ने ये गलती की, बड़ी शिद्दत से उठाया और कहा कि आपने पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देने का काम किया और देश इससे संघर्ष नहीं करेगा। 24 घंटे में बयान बदला और 24 घंटे के अंदर एंटनी जी ने ये माना कि वो पाकिस्तानी सैनिक थे जो हमारे जवानों को मार करके गए, और उन्होंने कहा कि देश इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो आपका बयान है उससे हम सब संबद्ध करते हैं और संसद एक सुर से पाकिस्तान की भर्त्सना करती है। अब ये विषय आपको पता हो तो पनवाड़ी की दुकान पे ढाबे वाले ने चर्चा करते हुए, संसद अभी तो शुरू हुई है, पहले ही सप्ताह में ले धरा हमने सरकार, कैसे कुछ ने देखा कुछ ने नहीं देखा तो आपको बता सकते हैं कि हमने सरकार को बयान बदलने पे मजबूर किया और देश को जिस स्थिति में वो डालना चाहते थे वो बड़ा घातक बयान बदलवाया। ये केवल तात्कालिक हिस्से मैंने बताया, लेकिन ऐसे 50 चीजें, 2G स्पेक्ट्रम क्या है, कोल आवंटन क्या है, आपके यहाँ राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि दिल्ली के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला बड़ी चीज है, वो क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सही तथ्य और सबल तर्क लेकर आप वहां जाए। तो 7 राउंड में कह रही हूँ, उसमें आखिरी राउंड होगा चुनाव के दिन, जब आप जाकर वोट निकालेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल 12% लोगों ने वोट बनवाया है, लोग अपनी पहल पर वोट नहीं बनवाते, इसी तरह लोग अपनी पहल पर वोट देने भी नहीं जाते। वोट देने जाने के लिए भी उन्हें कहना पड़ता है, दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जाकर बोलना पड़ता है और हाथ पकड़ कर साथ में ले जाना पड़ता है कि चलो वोट डालो, तब वोटिंग 70-75% होती है। और जितनी ज्यादा वोटिंग होगी आज के माहौल में उतनी हमारे लिए अच्छी है। इसलिए आखिरी दिन अपने को जाना है, दरवाजा खटखटा कर वोट डलवाना है, और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि महिलाएं रसोई के अंदर तक जा सकती हैं, पुरुष केवल बैठक जा सकते हैं, अंदर जाकर के वोट निकाल कर लानी है। और उस दिन वो जो वोट डलवानी है उस वोट के बाद गिनती होगी,
मैं आपको ये बात बता दूं, वो कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली में लोगों का मन बन गया है कांग्रेस को हटाने का, बिल्कुल बन गया, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मेरे साथियों, आखिरी दिन गिनती मन की नहीं, मत की होगी। ये बना हुआ मन जब तक मतदान केंद्र पर जाएगा नहीं, अपने मत को मशीन में दर्ज कराएगा नहीं, तब तक इस बने हुए मन की भूमिका जीत और हार में नहीं होती। और वो काम आपको करना, इस बने हुए मन को उठाकर मतदान केंद्र तक ले जाना और उस मत को मशीन में दर्ज करवाना, ये आपकी भूमिका है। तो सातवां राउंड आपका होगा आखिरी दिन, जब आप जाएंगे और जाकर वोट निकलवा कर आएंगे। लेकिन उससे दो दिन पहले का छठा राउंड उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप ये देखेंगे कि सब लोग घर में हैं कि नहीं, उस दिन होंगे कि नहीं। कई बार क्या होता है कि छुट्टी के बाद वोटिंग का दिन आ जाता है, तो लोगों को दो तीन छुट्टियां इकट्ठी मिल जाती हैं, वो तफरी को निकल जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, सारा साल कोसेंगे सरकार को। आखिरी दिन जब भूमिका निभाने की बारी आएगी, तो फिर अगर बारिश हो गई ना आज की तरह जैसे, तो चाय पकौड़े खाएंगे कौन जाए वोट डलवाने के लिए। इसलिए दो दिन पहले आपको छठे राउंड में ये देखना है कि सब है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनको बुलवाना है, सुनिश्चित करना है कि वो उस दिन रहे, और सातवें दिन, सातवें राउंड में आखिरी दिन ये सुनिश्चित करना है कि वो वोट डालने जाए। और जब तक आपके 20 घर या 15 घर जो आपको मिले हैं उसका आखिरी वोट नहीं डल जाता, तब तक आप अपना स्थान नहीं छोड़ोगे। ये बहुत होता है, अरे फला वाले बूथ पे झगड़ा हो गया, अच्छा झगड़ा हो गया, मैं भी जूते मुझे पहन, मैं भी चलता हूँ, तो तुम जाके क्या करोगे वहाँ, है ना कार्यकर्ता, तो संभाल लेंगे, तुम अपना बूथ संभालो, अगर तुम अपना चढ़ चले जाओगे तो यहाँ दंगा हो गया तो कौन संभालेगा। कभी सैनिक चौकी छोड़ के नहीं जाता, वो अपने पे डटा रहता है कि मैं अपने हाथ जीत हासिल करूँ, दूसरी चौकी वाला दूसरी चौकी देख लेगा। इसीलिए मैंने कहा कि युद्ध की तरह की रचना करनी है, जब तक आपका आखिरी वोट भुगताया नहीं गया तब तक आप स्थान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपके 20 घर के 100 वोट हैं वो डलवा दिए, उसके बाद आप कहीं घूमो कुछ ही करो, लेकिन जब तक आपका अपना वोट नहीं डला तब तक आप नहीं हिलोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो मैंने आरंभ में कहा था